ये बताइए कि चलो डाउट था आपके मन में कि भाई हाँ यार पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, लेकिन एक ट्राई करते हैं। जब सर मेरी बोर्डिंग हुई ना, तो वहां पे उन्होंने, मैडम ने 2-3 सवाल पूछे, क्यों जा रहे हो, क्या काम है। लाइन से भी मैंने देखा है सब कुछ, लेकिन वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है। वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे अभी ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि भाई गेट से भी कई बंदों को बोर्ड नहीं करने देते, गेट पे जो बंदा जाके बैठ जाता है तो वहां पे भी इंडियन को कई बार बोर्ड नहीं चल करने। के सब कुछ क्लियर करते हैं, उसी टाइम सवाल जवाब करते हैं, जाना है या नहीं जाना है, हमारा कुछ भी कंफर्म उससे पहले हेलो कुछ फ्रेंड्स, नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है मैं बताता हूँ। मैंने 3 महीने पहले बताया था कि आपको कि यार विज एयरवेज इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो टू सर्बिया, बट अभी विज में प्रॉब्लम हो रही है भाई। फ्रेश पासपोर्ट वालों को वो नहीं जाने दे रहे। तो उस टाइम पे मतलब अभी तक जब तक संधू जी ने ट्रैवल नहीं करा था तब तक दुबई से भी प्रॉब्लम थी। इंडियंस पासपोर्ट को वो अलाउड नहीं कर रहे थे फ्लाई करने के लिए सर्बिया दुबई से। तो संधू भाई मेरे साथ, इन्होंने ट्रैवल किया है 17 को ट्रैवल किया आपने, जी 17 को 17 दिसंबर को इन्होंने ट्रैवल किया है दुबई एयरपोर्ट से सर्बिया के लिए, बेलग्रेड के लिए बाय फ्लाई दुबई। और ये पहुंच गए हैं जी। भाई, ये सर्बिया पहुंच गए हैं। मतलब अभी ये रूट ओपन हुआ है दोबारा। तो भाई ये हम ये कैसे पहुंचे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो संधू भाई पहले सबसे पहले स्वागत आपका। पहले तो आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत हाँ आपने तो बहुत जानकारी दी थी। हाँ आप पहुंच गए भाई। अच्छा लगा सबसे पहली बात। तो अब ये बताइए कि आपने कैसे प्लान किया, कैसे सोचा कि भाई मैं दुबई से ट्राई करता हूं। नहीं, आपको पता ही है, आपकी वीडियो भी देखा था कि और तो कोई रूट ही नहीं है। अच्छा, और कोई रूट ही नहीं है भाई। संधू जी को पहले पहले इन्होंने अल्बानिया के लिए ट्राई किया था, मैं बता देता हूँ, विज एयरवेज से, बट इनको बोर्डिंग नहीं मिली थी, वहां से बोर्ड नहीं करने दिया था। बट इन्होंने दोबारा ट्राई किया और फ्लाई दुबई से, दुबई एयरपोर्ट से इन्होंने दोबारा ट्राई किया और ये पहुंच गए हैं वहां पे। तो अच्छा, थोड़ा डाउट था आपके मन में कि यार जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा देखो डाउट रहता थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डाउट था, बहुत ही ज्यादा, है। ओके 90% तो डाउट ही था। तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, अच्छा दुबई तक तो नॉर्मल ही था सब कुछ, हाँ, कोई कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, दुबई तक तो बिल्कुल अमृतसर में। नॉर्मल था, एकदम स्मूथ प्रोसेस है सब कुछ, इमिग्रेशन जी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेन चीज कोई जो है दिक्कत हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि आपने फ्लाई दुबई से और दुबई एयरपोर्ट से कैसे फ्लाई किया। तो ये बताइए कि चलो डाउट था आपके मन में कि भाई हाँ यार पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, लेकिन एक ट्राई करते हैं। तो आपने जी फाइनली ट्राई करा और कैसे करते सक्सेसफुल भी हो गए उसमें। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गए थे आप। जी। डॉक्यूमेंट वो ही अपना होटल बुकिंग थी और कोरोना रिपोर्ट थी, ठीक है, और अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट थे, दोनों लगे थे ना मेरे डोज, और ट्रैवल इंश्योरेंस, तो एक रिटर्न टिकट थी कंफर्म। जी ट्रैवल इंश्योरेंस तो साथ में ही दुबई का वीजा लगने के साथ ही मिल जाती है ना, अच्छा दुबई। अच्छा तो वही था आपके पास। ओके ओके तो ये चीज थी आपके पास। अच्छा, जब बोर्डिंग लेने गए तब कैसा लग रहा था कि यार चलो मैं फ्लाई दुबई के काउंटर पे जाता हूँ बोर्डिंग लेने के लिए। तो क्या कुछ बोले उन्होंने वहां पे आपको। नहीं, जब जब सर मेरी बोर्डिंग हुई ना, तो वहां पे उन्होंने, मैडम ने 2-3 सवाल पूछे, क्यों जा रहे हो, क्या काम है। मैंने नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट पूछती रही, मैं पकड़ाता रहा अच्छा बस। ओके, उन्होंने 6 घंटे पहले मैं वहां पे एंटर हो गया था ना, वहां पे उनको पता ही था, इतना इजीली उन्होंने बोर्डिंग तो 5 मिनट से भी पहले उन्होंने दे दी हमको, अच्छा पांच रोज का मिनट के इनको अंदर उन्होंने 5 मिनट बोर्डिंग दे दी दिखा। आपको। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे आपने उनको दे दिए और उन्होंने सिंपली फिर आपको बोर्डिंग पास दी, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं सिंपल हुआ आपसे। सिंपल, कुछ भी नहीं, करते हैं नॉर्मल है, मुझे भी नहीं इतनी इंग्लिश आती, फिर भी सब कुछ चल गया। अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती इतनी, लेकिन फिर भी आपका बन गया हिसाब किताब। जी ओके ऑलराइट। अच्छा तो चलिए ठीक है, आपको बोर्डिंग पास मिल गया। आप अकेले थे या कोई और भी था आपके साथ। आपने अपने अकेले ने ट्रैवल किया या कोई और भी था आपके साथ जिसने ट्रैवल किया है। आज नहीं आई थी ना क्लियर, आपने अकेले ट्रैवल किया है या कोई और भी था आपके साथ। साथ मेरा फ्रेंड था ना। अच्छा जी तो उससे कुछ सवाल जवाब पूछा। अच्छा उससे भी कुछ भी नहीं पूछा, उससे भी कुछ नहीं बस पूछा।
कहाँ जा रहे हो, उसका रिपोर्ट पहले नीचे गिर गया था तो अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो उसको बोल रहा था कहाँ है वो, चक्कर में पड़ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में जब उसने नीचे उसने पकड़ाया तो उसको भी थैंक यू बोल के आगे भेज दिया। अच्छा, तो चलो दुबई इमिग्रेशन पे कुछ पूछा आप लोगों से, जब वो दुबई इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे, बोर्डिंग पास लेने के बाद आप इमिग्रेशन पे गए क्या? जो वहां पे जो आउट की स्टंप लगती है ना, हाँ, वो भी नहीं लगती पासपोर्ट पे। अच्छा तो वहां पे भी आपने स्कैन करा, स्कैन करके रखा और आप निकल गए सीधा, ऐसा ही था ना? जी, करने के बाद आधे लोग पता नहीं जा रहे थे काउंटर पे, हम तो ऐसे ही लिफ्ट पकड़कर अच्छा सीधा C33 पे जाना था, 43 सॉरी 43 काउंटर पे जाना था, सीधा ही वेटिंग रूम पर जाकर बैठ गए। अच्छा मतलब आपने बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास आपने लिया और इमिग्रेशन खत्म ही हो गया, सीधा आपने वो अपना पासपोर्ट स्कैन करा, आप निकल गए बिना स्टंप लगाए, निकल गए है ना दुबई से, और किसी तरीके की कोई स्टंप नहीं लगी उस पे। तो यार ये तो और भी आसान हो गया, मतलब आपको बोर्डिंग पास मिला, दैट मींस आपका आधा काम निपट गया वहीं पे, ना इमिग्रेशन ना कुछ। 80% काम बोर्डिंग, उसी टाइम बोर्डिंग भी इजी है, विज एयरलाइन से भी मैंने देखा है सब कुछ, लेकिन वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है अभी। वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे अभी ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, विद से अभी प्रॉब्लम जी बहुत ज्यादा है। अच्छा तो चलो ठीक है, आप वहां पे गए, अच्छा तो जब आप उस पे गेट पे चले गए उसके, ठीक है, हमने हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि भाई गेट से भी कई बंदों को बोर्ड नहीं करने देते, गेट पे जो बंदा जाके बैठ जाता है तो वहां पे भी इंडियन को कई बार बोर्ड नहीं करने देते, तो आपका फिर वहां पे जब हम वेटिंग रूम में बैठते हैं, वेटिंग रूम नहीं उससे पहले ही है वो, ए दुबई फ्लाई दुबई की ये है ना, वो तभी हमको क्लियर करते हैं सब कुछ जब हम जहाज में बैठना होता है, जब हमने स्टार्ट करनी होती है ट्रैवलिंग, उसी टाइम वो यानी कि सब कुछ क्लियर करते हैं, उसी टाइम सवाल जवाब करते हैं, जाना है या नहीं जाना है हमारा कुछ भी कंफर्म, उससे पहले कुछ भी नहीं होता है। उससे पहले कुछ नहीं होता है, ये तो है। तो मतलब लकीली कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए संधू भाई कि और भी इंडियन थे वहां पे फ्लाइट में, होंगे बिल्कुल जैसे आप थे तो और भी इंडियन होंगे जी है ना, जैसे आप गए थे तो इंडियन और भी थे क्या फ्लाइट के अंदर, पंजाब हाँ, से या कहीं और से? 30-35 लड़के ही थे इंडियन जी, अच्छा 30-35 लड़के थे वहां पे भी, तो लगभग सबको एंट्री मिल गई क्या? क्या उन्होंने एंट्री सबको मिल गई वहां पे? अच्छा एंट्री का तो सर पता नहीं है, पहले चार जब सर्बिया में गए ना, चार लड़के पहले ही जाकर काउंटर पे खड़े हो गए, वहां पे उनको एंट्री नहीं मिली, उनको सीधे कह दिया कि वहां पर जाकर बैठ जाओ। अच्छा 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 चलो, जब आपने आप बता रहे थे कि भाई फ्लाइट फ्लाई दुबई में जब बोर्डिंग मिल रही थी, मतलब जब फ्लाइट के अंदर एंटर कर रहे थे, उस टाइम पे किसी को रोका ऐसा कुछ था या नहीं? नहीं, जब हम दुबई से भी जाते हैं वहां पे भी बस नॉर्मल सवाल पूछते हैं, अगर तो हमने कोई भी सवाल का जवाब अच्छे से नहीं दिया फिर तो वो वहां पे ही रोक लेते हैं। जब हम सर्बिया में चार पांच काउंटर हैं, एक तो सेंटर में जो काउंटर है ना वहां पे लिखा है वीजा रिक्वायर्ड, कई लड़के ऐसा करते हैं ना जिनको नहीं पता है, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं, वो सीधा ही उनको बैग भेज देते हैं, बस उनकी बात खत्म, डिपोर्ट ही होते हैं वो। अच्छा, तो चलो आप फाइनली पहुंच जाते हो सर्बिया में, ठीक है, फ्लाई दुबई से आप सर्बिया चले गए, तो सर्बिया में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, या डर लग रहा था कि यार कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए? नहीं, सर्बिया में तो फिर भी ठीक रहा, क्योंकि मन में डाउट तो हर के होता ही है यार, सबके सबको होता होता ही है, है ना, सबके होता है। यस तो फिर तो मुझे भी वीक थी, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, हाँ ऐसा ही है। सही बात है। मैंने तो दो तीन सवाल है जो जहां पे कोई ऐसा प्लेस है भी नहीं, मैंने तो उस प्लेस का भी नाम ले दिया था कई जगह पे। अच्छा, तो आपसे क्या क्या पूछा उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर ने, लेडीज थी या जेंट्स था उधर? नहीं, मैं लेडीज आई थी, मैं उसी टाइम उसके पास चला गया, मुझे पता है कि लड़का सवाल जवाब ज्यादा करता है ना, लड़की से इजी होता है। ओके ओके, हाँ ये भी चीज है भाई, अगर आप भी जब कभी जाओ तो इमिग्रेशन पे, अगर आप लड़की वाले काउंटर पे जाते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है इमिग्रेशन। अच्छा तो फिर उन्होंने आपसे कुछ पूछा कि नहीं पूछा, सवाल जवाब करे जी सर्बिया में? नहीं, उसने तो एक डॉक्यूमेंट भी नहीं पूछा सर, अच्छा उसको मेरी किस्मत से ही का फोन आ गया था। अच्छा 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 और आपके फ्रेंड से, आपके फ्रेंड से कुछ पूछा?
नहीं, जब उसको फोन आ गया था तो मैंने उसी टाइम पासपोर्ट उसके हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा। उसने मेरी दुबई की स्टंप देखी, अच्छा, उसी के साथ ये स्टंप लगाकर मुझे कहा वेलकम। अच्छा, ओके ओके। तो मतलब कोई आपका, मतलब अगर दुबई से आपने फ्लाई करा है, आपका एकदम मस्त एक्सपीरियंस था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। संधू भाई अब ये बताओ, देखो इजी आना चाहिए ना, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो वो दुबई से ही नहीं आने देंगे। हाँ जी, ये बताओ एक चीज बहुत जरूरी है, जो भी भाई अपना इंडियन भाई सोच रहा है कि मैं दुबई से ट्रेवल कर लूं, फ्लाई दुबई से, आप क्या कहोगे उनको, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ आ सकते हैं। नहीं नहीं आना चाहिए सर, आना चाहिए, मैं आ सकता हूँ। आपको पता ही है कि पंजाब से आते हैं कि कितने होशियार होते हैं। ये होशियार तो होते हैं लेकिन इंग्लिश वीक ही होती है। हाँ इंग्लिश तो वीक होती है, ये तो है, ऐसा है ना। फिर भी ऐसा है कि थोड़ा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिसर पहले ही देख लेते हैं, लाइन से पहले ही बाहर निकाल लिया था जो चार लोग पहले घबरा गए थे ना, थोड़ा सा चेहरा उतर गया था उनका, तो उन्होंने पहले ही उनको बाहर मार ली वहां से, उनको आने ही नहीं दिया दुबई से, 10-12 लड़कों को आने ही नहीं दिया, सभी इंडियन थे। अच्छा ओके, तो ये भी है, मतलब थोड़ा सा आप इस चीज को भी देखो भाई, बाकी इन्होंने ट्रैवल किया है। अच्छा आपका स्टंप दिखा सकते हो अपनी सर्बिया की, अगर पॉसिबल है तो? नहीं है, एक मिनट। हाँ ताकि थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ भाई वैसे ही नहीं बोल रहे, हाँ ट्रैवल किया है एक्चुअल में। नहीं। तो देखो भाई आप इस चीज को थोड़ा समझो, अभी जिस रूट से इन्होंने ट्रैवल किया पहले, वो ट्रैवल अभी सॉरी सर बंद था, मेरा पासपोर्ट नीचे उन्होंने जो होटल वाले है ना उनके पास जमा किया, उन्होंने रसीद दी है, दे वाली रसीद दी है उन्होंने, जब हम यहाँ से आउट होंगे ना तब देंगे वो हमको। ओके कोई नहीं, फोटो खींच के भेज देना, फोटो खींच के भेज देना आप, ये दिखाना क्या उन्होंने रसीद दी है उन्होंने। अच्छा, ये उन्होंने दी है। ओके ओके चलिए, तो देखो भाई संधू जी ने भी ट्रैवल किया है 17 तारीख को, 17 दिसंबर को, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरीके के वीडियो से ऐसे ट्रैवलर्स की हेल्प होती है। संधू भाई आपकी कितनी हेल्प हुई ये बताइए अपनी वीडियो से? आप ही ने की जो की। नहीं सही बात है। ओके ओके ओके, तो भाई देखो एयरलाइन से तो ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रही थी ना, चलो आपने भी थोड़ा सा बताया था कि ये प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को बताते हैं, तो किसी का भला हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो हर किसी ने अपना ही खर्चना है ना। बिल्कुल 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 भाई, देखो पैसे जानकारी होगी तो उसका लॉस्ट बच जाएगा ना। बस बस, इस तरीके की वीडियो से यार आपको रूट का पता चल जाता है, ट्रैवल सिचुएशन का पता चल जाता है, डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाता है, अभी क्या सिचुएशन है। 17 तारीख को उन्होंने ट्रैवल किया है और 19 तारीख को आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगी भाई। अपना रूट्स जिस जहां पे भी, जैसे दुबई ट्रैवल करना है, सर्बिया, रशिया, कहीं पे भी, ऐसी अपडेट्स मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर डालता रहता हूं भाई, कहां पे ट्रैवल स्मूथ है कहां पे नहीं है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी ट्रैवलर्स हैं, जैसे अभी संधू ने ट्रैवल किया या और भी ट्रैवलर्स हैं, उनके मन में डाउट रहते हैं और उनको रूट का पता चल जाता है, तो भाई उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है भाई, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, तो ऐसे ही ट्रैवलर्स की हेल्प होगी। तो ठीक है संधू भाई, आपने टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा लोगों के साथ, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।